Hey, what's up, everybody? कैसे हो आप सब? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू हैव कम्प्लीटेड योर टेस्ट एंड वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास. स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई 1, 2, 3 तक हमने कम्प्लीट कर लिया है एंड टूडे आज हम रीड करेंगे लेट्स ट्राई 4 to लेट्स ट्राई 8 or 9. सो स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर इज 6 एंड द सेल्फिश जायंट. हमारा चैप्टर 6 है द सेल्फिश जायंट एंड नाउ वी विल रीड चैप्टर लेट्स ट्राई 4. ओके, सो लेट्स ट्राई 4 में मैच द गिवन फ्रेजेस विद देयर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. इसमें क्या करना है बेटा, आपको मैच करना है एंड बेटा फ्रेजेस मीन्स होता है, क्या होता है फ्रेजेस मीन्स वाक्यांश के लिए एक शब्द. मैच द गिवन फ्रेजेस है विद देयर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. तो फ्रेजेस मीन्स होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द. आप हिंदी में पढ़ते हो तो उसी को ये मैच करना है. ओके, तो सो टू गेट समथिंग इन रिटर्न ऑफ पेमेंट. टू गेट समथिंग इन रिटर्न ऑफ पेमेंट मीन्स पैसे के बदले कुछ लेना. तो इसका क्या होगा बेटा, इसका होगा डी यानी बाई, बी वाई ई बाय. एंड नेक्स्ट है टू क्रिएट और डिजाइन अ न्यू डिवाइस और प्रोसेस. इसका ये क्या होगा, इन्वेंट मीन्स कोई नया आविष्कार करना. तो उसे क्या कहते हैं बेटा, इवेंट. एंड नेक्स्ट थर्ड इज अपॉइंट वेयर समथिंग बिगिंस, जहां से कुछ शुरू होता है. जहां से कुछ शुरू होता है थर्ड, तो इसका क्या होगा, ऑरिजिन. ओके, एंड नेक्स्ट फोर्थ इज रिमूव और क्रॉस आउट रिटेन और प्रिंटेड मीन्स किसी प्रिंटेड या लिखी हुई चीज को हटाना. कोई लिखी हुई चीज को हटाना तो उसे क्या कहते हैं, डिलीट. आप लोग जानते हो. फिफ्थ अ मीन्स ऑफ अर्निंग इनफ मनी टू लिव ऑन मीन्स जीने के लिए पर्याप्त पैसे कमाने का साधन. तो इसे क्या कहते हैं, लाइवलीहुड. ओके, सो लेट्स ट्राई 4 फ्रेजेस कंप्लीट करने हैं एंड नेक्स्ट है लेट्स ट्राई 5. सो स्टूडेंट्स, इन लेट्स ट्राई 5 में क्या करना है, आप लोग बेटा आप लोग बुक और कॉपी लेके बैठोगे, पेंसिल आपने लिया होगा आई थिंक. सो लेट्स ट्राई 5 में इट्स टाइम टू बी अ वर्ड डिटेक्टिव. कुछ डिटेक्टिव वर्ड दिए गए हैं. डिटेक्टिव मीन्स छुपे हुए या जिसकी हम खोज करते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड रिप्लेस द वर्ड्स इन बोल्ड विद सिंपल कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. देन राइट द सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब ऑफ द सब्स्टिट्यूशन वर्ड. वन इज डन फॉर यू मीन्स स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखोगे आपके ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं. ये सेंटेंसेस हैं, ये सिंपल कंटिन्यूअस है एंड ये सिंपल प्रेजेंट है. तो देखोगे सेंटेंसेस में जो बोल्ड वर्ड दिए हुए हैं, जो बोल्ड में सेंटेंस दिए गए हैं, उसी का यहाँ पे क्या करना है, सिंपल कंटिन्यूअस लिखना है और यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में लिखना है. तो सिंपल कंटिन्यूअस में अब हम क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं. हमने पहले भी बताया है आप लोगों को, सिंपल कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं और सिंपल प्रेजेंट में नहीं यूज करते. ओके, सो यहाँ पे है सेंटेंसेस में क्या है, व्हेन राम रीचेस द स्कूल ही सीज अ क्राउड ऑफ पीपल गैदरिंग एंड स्पीकिंग वेरी क्वाइटली. तो हमें क्या देखना है बेटा, यहाँ पे स्पीकिंग वेरी क्वाइटली को क्या कहेंगे, विस्परिंग, मतलब बहुत धीरे से बोलना. तो विस्परिंग है क्या हो गया, सिंपल कंटिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट में क्या लिखा हुआ है, विस्पर यानी धीरे से. सो एज नेक्स्ट है शमा इज हंग्री सो शी वॉकिंग क्वाइटली ऑन हर टोज मीन्स वो चल रही है अपने टोज पे. टोज बेटा आप लोग जानते हो. तो यहाँ पे सिंपल कंटिन्यूअस में क्या लिखा है हमने, टिप टोइंग मीन्स टो पे धीरे धीरे चलना. और यहाँ पे टिप टो मीन्स कंटिन्यूअस में आईएनजी लगा है और इसमें सिंपल प्रेजेंट में हमने नहीं यूज की, हमें यूज नहीं करना. नेक्स्ट है सी मूविंग इन टू अ वार्म एंड कम्फर्टेबल पोजिशन मीन्स धीरे धीरे और कम्फर्टेबल पोजिशन में चलना या बैठना. मूविंग इन टू अ वार्म एंड कम्फर्टेबल पोजिशन मीन्स की बहुत कम्फर्टेबल पोजिशन में चलना, उसे क्या कहते हैं, स्नगलिंग. और स्नगलिंग हो गया कंटिन्यूअस एंड सिंपल प्रेजेंट क्या हो गया, स्नगल. नेक्स्ट है द जाइंट इज गोइंग टू सी एंड स्पेंड टाइम विद हिज फ्रेंड मीन्स जाइंट जा रहा है कहाँ, गोइंग टू सी एंड स्पेंड टाइम विद.
तो इसको क्या कहते हैं, जाने को विजिटिंग मीन्स घूमना, विजिटिंग एंड विजिट. द चिल्ड्रेन आर मूविंग एमलेसली. मूविंग एमलेसली मीन्स होता है बेटा रोमिंग, मतलब कि बिना मतलब का किसी, एमलेस होके घूमना, इधर उधर भटकना या घूमना, रोमिंग और यहाँ पे रोम. द सेल्फिश जायंट इज स्क्रीमिंग एट द चिल्ड्रेन. तो शाउटिंग, स्क्रीमिंग को क्या कहते हैं बेटा, शाउटिंग. सेल्फिश जायंट मीन्स चिल्ला रहा है बच्चों के ऊपर. तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है और यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट और यहाँ सिंपल कंटिन्यूअस. तो आई थिंक कि बेटा आपको लेट्स ट्राई 5 समझ में आया होगा. एंड नेक्स्ट है लेट्स ट्राई 6. ओके, तो लेट्स ट्राई 6 में बेटा आपको मैं बुक ब्रीफ बुक दिखा देती हूँ. सिंपल पास्ट टेंस, आपने पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस ये सब पढ़ा है, तो पास्ट में क्या करना है. लेट्स ट्राई 5 तक आपने देखा एंड अब लेट्स ट्राई 6 में सिंपल पास्ट टेंस हम क्या पढ़ेंगे. सिंपल पास्ट टेंस. सो पास्ट टेंस में आप देखोगे गेट का गॉट, प्ले का प्लेट, कम का केम, ग्रीव, ग्रो का ग्रीव, वॉच का वॉच्ड, ऐसे सिट का सैट. तो यहाँ पे प्ले का क्या है बेटा, प्लेट, कुक का कुक्ड, रन का रेंड, वेट का वेटेड. तो कुछ एग्जांपल यहाँ भी दिए हुए, बिगिन बिगैन, ड्रिंक ड्रैंक, सिंक का सैंग, स्विम का स्वैम, ब्रिंक ब्रॉट, फाइट फॉट, थिंक और थॉट. ये पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस बनाने के लिए वर्ब को हम ऐसे चेंज करते हैं. सो स्टूडेंट्स ये आप लोग देखोगे लेट्स ट्राई 6. इन लेट्स ट्राई 6 में क्या है, फिल इन द क्रॉसवर्ड पजल विद द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन बिलो. मीन्स आपको ये पजल आपके लिए दिए हुए हैं, इसमें आपको फिल करना है पास्ट टेंस. और पास्ट किसका पास्ट करना है, यहाँ पे ये नीचे अक्रॉस एंड डाउन, ये आप देख रहे होगे बुक, आपको दिखाई दे रहा होगा. अक्रॉस में ये वर्ड्स दिए हुए, मेक, बाय, होल्ड, फॉरगिव, पुट, अंडरस्टैंड, ब्रेक, यूज. और यहाँ पे डाउन में सिंग, ऑर्डर, टेक, लिसन, ड्रिंक, राइट, नो. तो इसका पास्ट टेंस बनाया गया है. मीन्स मेक का मेड, बाय का बॉट, होल्ड का हेल्ड, फॉरगिव फॉरगिव, पुट पुट, एंड अंडरस्टैंड का अंडरस्टूड, TOOD है. ब्रेक का ब्रोक, यूज का यूज्ड, सिंग सैंग, ऑर्डर ऑर्डर्ड, टेक का टुक, सेंड सेंट, डी का क्या हो गया टी सेंट मीन्स भेजा, ड्रिंक का ड्रैंक, राइट का रोट मीन्स लिखा, नो का न्यू, नो मीन्स जानना, न्यू मीन्स क्या होता है जानता था. तो स्टूडेंट्स ये वर्ड्स जहाँ भी आते हैं तो हम क्या करते हैं, पास्ट की बात कर रहे होते हैं. ओके, और इसी को आपको इसमें क्रॉसवर्ड में फिल करना है, जैसा कि मैंने, आप खुद से भी कर सकते हो. मैंने बुक में फिल इसलिए मैं कर बेटा मैं बुक में फिल इसलिए करती हूँ कि बहुत कुछ बच्चों, हमारे कुछ बच्चों के पास बुक नहीं है, इसलिए मैं पूरे कंटेंट में बुक फिल करके देती हूँ. ओके, अगर आपको आता है तो आप खुद से भी इसे कर सकते हो. ओके, एंड नेक्स्ट है लेट्स ट्राई 7. बेटा लेट्स ट्राई 7 में हमें यहाँ पे बुक में ही देखते हैं, गीता विजिटेड हर ग्रैंड पेरेंट्स. बेटा देखोगे गीता विजिटेड हर ग्रैंड पेरेंट्स इन द इवनिंग यस्टरडे. गीता यस्टरडे मीन्स कल अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास गई थी. तो लुक एट द पिक्चर टू सी व्हाट वाज हैपनिंग इन देयर हाउस. आप पिक्चर को ये देख सकते हो कि वहां पे क्या हो रहा है. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करके वर्ब को चेंज करके यहाँ पे आपको लिखना है. कहाँ लिखना है, यह नेक्स्ट लेट्स ट्राई 7. सो ए में क्या होगा, ग्रैंड मा वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर. यहाँ पे ब्रैकेट में वर्ब दिए हुए हैं तो आपको फिल करना है पास्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि देखो ग्रैंड मा क्या कर रही है, रीडिंग द न्यूज पेपर. कैट क्या कर रही है, ये ग्रैंडपा क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सब पिक्चर में दिए हुए हैं. सो आप लोग इसमें ऐसे, ग्रैंडपा वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर, ग्रैंडपा वॉज स्लीपिंग ऑन द रॉकिंग चेयर, द रेडियो ऑन द सेल्फ वॉज नॉट प्लेइंग म्यूजिक, द कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, दे वर नॉट लिसनिंग म्यूजिक, वे म्यूजिक नहीं सुन रहे. एंड नेक्स्ट है बेटा फ्यूचर सिंपल टेंस. आप यहाँ पे फ्यूचर सिंपल टेंस ये दिए हुए हैं, सिंपल टेंस,
ठीक है, जिसमें विल राइट विल गो मीन्स यहाँ पे अफर्मेटिव फॉर्म है. फॉर्म्स ऑफ द सिंपल फ्यूचर मीन्स इसमें आपको सिंपल फ्यूचर में क्या बना, अफर्मेटिव फॉर्म, यहाँ पे आई यूज ही शी है और यहाँ पे विल राइट विल गो, ये सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मेट है. तो आप ऐसे ही उसे यूज करके नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें लेट्स ट्राई ए फिल करना है. स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे लेट्स ट्राई एट में हमने क्या लिखा है, स्टूडेंट्स आंसर विल वेरी मीन्स कि स्टूडेंट का आंसर, बेटा ये कॉपी में कई कुछ कॉपियां मैंने चेक की थी तो इसमें आप लोगों ने भी लिखा, इसे आपको नहीं लिखना है. इसकी मीनिंग होती है कि स्टूडेंट्स के आंसर अलग अलग हो सकते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या, लेट्स ट्राई एट में राइट थ्री सेंटेंसेस इन सिंपल फ्यूचर टेंस अबाउट वट यू विल डू टूमोरो मीन्स आप कल क्या करोगे. ठीक है, आपको इसमें थ्री सेंटेंस लिखने हैं जो आप, जिसमें आप कल क्या करोगे, तो ये सेंटेंस आप खुद लिखोगे और स्टूडेंट्स के आंसर अलग अलग इसमें होंगे. ओके, एंड नेक्स्ट है बेटा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. ये हमने फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ा और ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जिसमें कि आप विल बी वर्ब एंड आईएनजी फॉर्म यूज करोगे. तो बेटा आपने लेट्स ट्राई 8 तक देखा एंड आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा. एंड नेक्स्ट लेट्स ट्राई 9. तो लेट्स ट्राई 9 में बेटा आप देखोगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस विल, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो फॉर्म बनता है उसमें क्या करते हैं, विल बी वर्ब प्लस आईएनजी. क्या यूज करते हैं, विल बी वर्ब एंड प्लस आईएनजी. तो ये अफर्मेटिव फॉर्म है, इस यहाँ पे आई यू ही शी इट वी दे जो भी आपको यूज करना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, एंड उसके साथ क्या लगाएंगे, विल बी एंड आईएनजी फॉर्म. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लेट्स ट्राई 9. ओके लेट्स ट्राई 9 अब हम देखते हैं क्या है. लेट्स ट्राई 9 में फिल इन द ब्लैंक्स बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. सो फर्स्ट इज शीना विल बी, हमने हमें क्या ऐड करना है, विल बी एंड यहाँ पे ब्रैकेट में वर्ब दिए हुए हैं तो उसमें हम आईएनजी यूज करके यहाँ पे लिखते हैं, विल बी वर्किंग नाइट शिफ्ट फॉर फ्राइडे, आई विल बी वॉकिंग होम फ्रॉम माई ऑफिस, वी विल बी वेटिंग फॉर रोनाल्ड एट द एयरपोर्ट, मदर विल बी इन्वाइटिंग माई फ्रेंड ओवर फॉर अ टी पार्टी, कैन विल बी सर्चिंग, सर्च का क्या हो गया, सर्चिंग फॉर द बुक आई रिक्वेस्टेड इन द लाइब्रेरी टुमारो, आई विल बी ट्रेवलिंग टू स्पेन नेक्स्ट वीक, फादर विल बी गोइंग, फादर को जाना है ना बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, विल बी गोइंग आउट. यहाँ हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं और फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, फॉर एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, रॉय विल बी प्लेइंग चेस एट द क्लब टू नाइट. ओके तो बेटा ये लेट्स ट्राई 9 आप कंप्लीट करोगे. एंड नाउ री राइट द लास्ट सेंटेंस इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो यहाँ पे आपको मैंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करके सेंटेंस को लिखा है, रॉय वॉज प्लेइंग, यहाँ पे इसी सेंटेंस को हमने लास्ट सेंटेंस को री राइट किया है, रॉय वॉज प्लेइंग चेस एट द क्लब लास्ट नाइट. ओके एंड आपका लेट्स ट्राई 9 स्टूडेंट्स आपका बेटा कंप्लीट होता है. एंड इसी के साथ आपके ये चैप्टर कंप्लीट होते हैं कोर्स बुक के. एंड टुमारो मैं आपके लिए क्या लेके आऊंगी, प्रैक्टिस बुक एंड रिवीजन असाइनमेंट हम कंप्लीट करेंगे. ओके थैंक्स.